नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। चलिए बात करते हैं। एक बच्चे ने हमें कमेंट में एक क्वेश्चन भेजा था, तो चलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका मेथड जो है बहुत ही छोटा सा। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी ये पूरा बोर्ड कलर हो जाएगा, और उसके बाद फिर रेज करना पड़ेगा, फिर से मिटाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ले करके आते हैं कि चीज़ भी हमारी सॉल्व हो जाए और टाइम भी हमारा बच जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्या कहा है, मिस्टर सिंह हैज मंथली इनकम ऑफ 7,000 रुपीज। मिस्टर सिंह की जो मंथली इनकम कितनी है, 7,000 रुपीज है। ही स्पेंड 11/30 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउसिंग। उन्होंने अपनी इनकम का 11/30 कितना इनकम का 11/30 हाउसिंग पे खर्च किया। फिर 2/5 ऑन फूड, और फूड पे उन्होंने इनकम का कितना 1/10 खर्च किया। एंड एंटरटेनमेंट, इन्होंने फूड पे 2/5 ऑन फूड, फूड पे 2/5 खर्च किया, उसके बाद 1/10 एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। फिर हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब उनके पास या उनके साथ कितने रुपए बचे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप सॉल्व करने जाएंगे बेसिक तरीके से, तो फिर बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा। लेकिन हमको इतना लंबा मेथड नहीं लेकर के चलना है। हमको चीज़ें जो पहले से रटी हुई हैं उनके बेस पे नहीं चलना है। हमको कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है कि थोड़ी सी चीज़ में कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम वो चीज़ करेंगे कि जितना उसने खर्च किया है उसको हम ऐड कर लेते हैं। जितना खर्च किया है वो सारी चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसने खर्च किया था 11/30 प्लस 2/5, फूड पे कितना खर्च किया 2/5, एंटरटेनमेंट पे 1/10 खर्च किया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। फिर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाएगा। अभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझिए, एलसीएम लेने का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका कि आप लोग भूलोगे नहीं। चलिए तब तक अभी समझते हैं। चलिए इन तीनों में से ऐसी कोई संख्या देख लीजिए कि या तो हम इसको 5 कर दें, या तो इसको 5 कर दें इन दोनों से, या तो इसको 10 कर दें, इसको 10 कर दें। तो ये 10 हो नहीं पाएगा, ना ये 5 हो पाएगा, लेकिन हाँ ये दोनों संख्याएं 30 जरूर हो जाएंगी। मीन्स ऊपर वाली संख्याओं में अभी कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या में। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई मल्टीप्लाई करें इन दोनों में कि 30 हो जाए हमारा। कोई ऐसा नंबर चूज करें कि मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों 30 हो जाए। मीन कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30 हो जाएगा। और जब हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है। अगर हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, मीन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 30 है ही है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है करने से। फिर मीन सबको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए। तो इसको 1 से करें, ये 30 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 30 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग एक चीज देखिए, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो डिनोमिनेटर पूरा हो गया 30। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा 30। फिर यहाँ पे 11 बन जा 11, 11 बन जा 11 प्लस 6 टू जा 12 और 3 बन जा 3।
ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आप लोग देखिए क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए, कितना आया 12 3 15 और 11 कितना हुआ 26 अपॉन 3, इतनी चीज हो गई। चलिए इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे जितना हम 700 माना था, 700 था, यहाँ पे हम एक के फॉर्म में मान लेते हैं, मीन्स 1 minus 30 upon 26। अब ये सोचेंगे कि ये 1 कहाँ से आ गया, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 1 minus 26 upon 30, यानी 30 वंजा, ध्यान से देखिएगा, 30 वंजा 30 और 30 में से कितना गया 26, 30 वंजा 30 और फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ये माइनस हो जाएगा, तो 30 वंजा 30 और 30 में से 26 गया, कितना बचा, फोर अपॉन 30, मीन 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना बचा 2 अपॉन 15, इतना हमारा आया। अब फिर उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 7000, कितनी थी 7000, 7000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 अपॉन 15 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए फाइव से काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 5 5 2 जा 20 और सॉरी 5 5 5 और 5 4 जा 20, 5 5 5 5 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, अब देखिए कितना बचा, 2 into 14 0 0 3, ध्यान से देखिएगा, तो हमने कहा जीरो का मल्टीप्लाई इससे कर दे कोई मतलब नहीं, जीरो का मल्टीप्लाई इससे कर दे कोई मतलब नहीं, यानी 0 2 जा 0 0 2 जा 0 और 14 2 जा 28 अपान 3। अब क्या करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 को 28 से, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 1 आएगा, 3 3 जा ये 0 उतर गया, तो 3 3 जा 9 1 आएगा, तो क्या आएगा, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, देखिए 93 होल 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमने काफ़ी ज़्यादा बड़े फॉर्म में किया हुआ है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने इसको इतना बड़ा कर दिया, अभी चाहते तो यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, सेम यही चीज़, अब जैसे हमने इसको फैक्टर में कर दिया, करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे जोड़ सकते थे, अब इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये कर देते आंसर सॉल्व हो जाता, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, अगर यहीं पे शॉर्टकट इसको करना है, पहले इतनी चीज़ आप उतार लीजिए, आंसर हमारा इतना आएगा, ठीक है, अब अगर इसको शॉर्ट करना है तो कुछ स्टेप यहाँ पे हम मिटा लेते हैं, ये इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अगर इसका ना नोट डाउन हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे इसको शॉर्ट करना है, तो इतना करने के बाद हमने
इतना देखा कि ये हो जाएगा 26, मीन्स इसको हटा दें, ठीक, ये जो लिखा हुआ है इसको हटा दें, ये तो केवल समझने के लिए था, इसको हटा दिया, फिर ये इतना किया, तब हमें पता चल गया कि कितना आएगा, 31 जा 30, और 30 में से 26 भी आ जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, इतना आ गया, ठीक है। कुछ स्टेप इसमें से आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद 2/50 हो गया, इसको यहाँ पे घटा लिया, और ये करने की जरूरत नहीं थी जो ये हमने किया है मल्टीप्लाई, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए कितना बचा हुआ इसमें, इसमें से कितनी चीजें बची हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप में पूरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, बस थोड़ा समझने का दिक्कत था, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमने कर दिया 2/15 था, इसको हमने इससे डिवाइड कर लिया तो 14/30 आया, और 2 मल्टीप्लाई पहले से था तो यहाँ पे 2800/3 आ जाएगा, और फिर इसको जब डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 100% आप लोगों के, आप 6th ले लीजिए, 7th ले लीजिए, 8th ले लीजिए, 5th ले लीजिए, 4th ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये सिंपल वे में दे दिया गया होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा, सिंपल फॉर्म में दे दिया होगा, किसी भी तरीके से दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग, अगर जैसे ये फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 1 मान करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आराम से क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो जितने लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया हो, या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू क्लास।